ये वाले भी अकाउंट दिखलाना था। कौन सा दिखाओ? अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? तिरंगा हमारे देश की शान है और तू इसे गिरा रहा है। अच्छा जो तूने किया तो वो तो हमारे देश की शान बहुत बढ़ा रही है। देख भाई तू इस तिरंगे की सम्मान कर रहा है, लेकिन क्या इस तिरंगे के सम्मान से हमारे देश का सम्मान हो सकता है? सर को याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? रास्ते में हम लोग जा रहे थे, कुछ लड़के लड़की को छेड़ रहे थे, लेकिन तूने उसको इग्नोर करते हुए चला। अरे रुक रुक रुक, अरे यार कुछ लड़की छेड़ रहा है यार। अबे छोड़ ना यार, चल चल। अरे भाई चल ना, अरे तो गलत है ना यार। अबे यहाँ होते रहते कॉमन बात है, चल ना भाई, चल चल बैठ। अरे यार ऐसे छोड़ेगा? और उस दिन जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था हमारी गाड़ी से, लेकिन तूने उसको भी इग्नोर करते हुए चला। अबे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया बे। निकल भाई, निकल भाई, आज निकल भाई। अबे चे, चे, चे। अरे देख ले यार बच्चे को, देख देख ले यार, देख ले यार, देख ले भाई। और वैसे ही जब हम गार्डन में बैठे हुए थे तो हम कुछ खा रहे थे, लेकिन वो बच्चा एक भूखा था हमारे पास आया कुछ मांगने, हमने उसको कुछ दिया भी नहीं। अरे चल बे, चल चल जा। अरे दे देना यार उसको। अरे छोड़ ना, क्या देखता हूँ भाई, दे देता यार कुछ, उसको भूखा है। अबे ध्यान मत दे उधर, खा तू चुपचाप। मेरे दोस्त सच्ची देशभक्ति तो यही है, सिर्फ तिरंगा बस को बचा लेने से हमारा देश नहीं बदलेगा। अगर हमारे देश में बदलाव लाना ही है ना, तो उन नौजवानों से सीखो जिन्होंने आजादी के पहले भी 15-20 साल की उम्र में फांसी को चूम लिया था और अपने कर्तव्य को पूरा किया। वैसे ही आज हमें भी अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए, तभी तो सच्ची देशभक्ति दिखेगी यार। हाँ यार सही बात है। हाँ भाई सॉरी यार, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तू बिल्कुल सही बोल रहा है यार, असलियत में यही सच्ची देशभक्ति है और यही बात हमें सभी लोगों में फैलानी चाहिए। और रही बात इस तिरंगे की, ये तो हमारे देश की शान है यार। आई लव माई इंडिया।